Yeah, well, that's not Ronnie Coleman. Where is he? वहाँ का अलग है इंडिया का. वहाँ पर जी हुजूरी करे तो जीतते. अपने का नहीं आदत लेंगे वो. कंपटीशन में होने वाला अभी खेल रहे हैं भैया जून वाला. 19-20 का ही फर्क है. हाँ हाँ बिल्कुल तगड़ा होगी. और अभी हमने 6 किलो बढ़ा दिया है. स्टार्ट किया था हमने 84 से और करंट वेट हमारा हो रखा. जब जे कटलर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में ये बड़ी रॉनी कॉलमैन का नाम लिया जाने लगा तो जे कटलर यहाँ पर क्या रिप्लाई करते हैं, आप लोग इसको जरूर सुनिएगा. और आप हमें कमेंट करके ये भी बताइए यदि अपने इंडियन बॉडी बिल्डर होते तो वापस क्या रिप्लाई करते हैं. इसके अलावा इमरान खान ने जून मंथ में होने वाले सेरू क्लासिक प्रो शो के विषय में क्या कहा, प्लस राहुल फिटनेस ने अपने नेक्स्ट शो के विषय में अनाउंस कर दिए हैं. तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं. मैं आपका दोस्त हर्ष पांडे. तो हमारी पहली अपडेट आ रही है नितिन चंडीला की तरफ से. नितिन चंडीला अभी कुछ ही घंटों पहले इस वीडियो को शेयर करते हैं जिसमें आप यहां पर देख सकते हैं कि वो अपने ये पुराना वीडियो शेयर करते हैं अपने कंडीशन से रिलेटेड. लेकिन इसमें यहां पर आपको इनकी फिजिक नहीं देखना, आप यहां पर देख सकते हैं कि इन्होंने यहां पर लिखा क्या. यहां पर वो लिखते हैं यदि इस वीडियो में शिवम कमेंट करते हैं तो मैं प्रो कार्ड के लिए कम्पीट करूंगा. तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या शिवम नितिन चंडीला के इस रील पे कमेंट करेंगे कि नहीं, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं. एंड आपको क्या लगता है, क्या नितिन चंडीला जून मंथ में होने वाले सेरू क्लासिक कॉम्पिटिशन में यदि पार्टिसिपेट करते हैं तो वो बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी से प्रो कार्ड हासिल कर पाएंगे कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. अब हम अपने नेक्स्ट अपडेट के विषय में बात कर लेते हैं. तो हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है इमरान खान की तरफ से. कल इमरान खान इंस्टाग्राम पे लाइव जाते हैं, वो अपने नेक्स्ट शो उनकी प्रेजेंट टाइम में प्रेप कैसी चल रही, वो गेनिंग में चल रही है कटिंग में चल रही है, किस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, वो इंडिया में जो भारत प्रो शो जून मंथ में सेरू क्लासिक वाला होने वाला है वो उसमें यदि पार्टिसिपेट करते तो किस कारण से करेंगे, और यदि वो उस कॉम्पिटिशन में नहीं खेलते तो क्यों नहीं खेल रहे, इन सब चीज के विषय में आज इमरान खान ने डिटेल पूर्वक बात की. प्लस वो किस प्रो शो में पार्टिसिपेट करने वाले हैं इसके विषय में भी अनाउंस कर दिए हैं. तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इमरान खान के द्वारा उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया उसको सुन लेते हैं. ऑफ सीजन स्टार्ट करने वाला हूँ, रमजान के बाद ऑफ सीजन स्टार्ट करने वाला हूँ. आ रही अब आ रही. हेलो, तो 20 तक आना है बोलो इंशाल्लाह. रमजान के बाद प्रोग्राम, रमजान के बाद उतरेंगे ना कंपटीशन में. कहाँ इधर क्या मैं आयु. अब हमारे उमर बाह में साफ बोल रहे हैं कि इंडिया में खेलेंगे, बट सोच रहा हूँ मैं. अब मेरा प्लान दिमाग में है कि दुबई प्रो खेलूंगा. तो अभी नेक्स्ट जो दिल्ली होने वाला उसमें दिल्ली प्रो शो श्योर नहीं है, बट दुबई प्रो शो खेलेंगे. चलो रईकु मजा दुबई प्रो में आता, उसमें झापड़ा मिलते, झापड़ों में जीतने का मजा अलग है. सही बात है, समझे. कभी भी हाथ डाले तो बड़ी जगह हाथ डालना, छोटी मोटी जगह तो कोई भी जीत जाता. जिसकी जिसकी सोच नहीं रहती वहां ठहरने की, वहां ठहरना पर, समझे. अब ये काले पीलो में निकलेंगे अपन दुबई में, इंशाल्लाह ठहरो तुम. अब के नया माइंडसेट है, हर चीज नई होने वाली है. अब बगर आनंद भाई ऑफ, बगर साइकिल भाई आनंद भाई ऑफ मैच है, नवंबर में उतरने वाले. देखो नहीं दुबई नहीं उतरेंगे, इधर की है कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन है वो, प्रो कार्ड का कंपटीशन है, नेचुरल कंपटीशन है वो, नेचुरल. नो स्ट्राइक कई को उन्होंने अभी नेचुरल कर रहे ना. जी जी ये नहीं, अभी ये नेदार नहीं सामान. हाँ अब बंबई में दुबई दिल्ली में उतरने का हाँ भैया सोचे तो क्या, बस दिल्ली में उतरने के बाद एक एक चीज के लिए उतर सकते हैं कि बस नाम के लिए और फैंस के लिए.
देखो जो करिए उमर भाई भी करने हैं पार्टिसिपेंट, उमर भाई करने वाले। अगर अगर उमर भाई करे तो मैं उमर भाई के साथ आता हूँ, बट खेल तो नहीं जी। जैसा कि लास्ट टाइम पे उमर भी मेरे साथ आए थे, मैं इनको कंपनी देने आता। अच्छा अच्छा ऐसा, इंशाल्लाह सही को वहाँ का अलग है भाई, इंडिया का वहाँ पर जी हुजूरी करे तो जीतते, अपने के नहीं आदत नहीं है वो अपने खून में नहीं है जी हुजूरी करना। वो नहीं कर सकते ना अपन, भाई मेरे को जिताओ, भाई मेरे को जिताओ, मेरे को टच में रहो, मेरे से वो रहो। अपन भी हैदराबाद के नवाब है मालूम ना फिर। मेरा तो दिमाग खराब नहीं है, राहुल हमारा बहुत अच्छा भाई है। मैं दो बार मिला राहुल से, क्योंकि दो बार भी मैं इंडिया आया था, और बहुत अच्छे माइंड का बनता है, दिल साफ है। ऐसा नहीं कि पूरे इंडियन प्रो जो जो है सब सबसे टच में रहता हूँ, सब अच्छे दिलों के हैं और एक दूसरे को खुश करते समझो, ऐसा नहीं कि एक दूसरे की टांग खींचते। वो स्टेज पे होगा तू, मतलब स्टेज पे होगा वो जैसा कि मैं फर्स्ट टू फर्स्ट, बट वो बैक स्टेज में हम सब एक दूसरे को बहुत वो करते, भाईचारा अच्छा है समझो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही अभिषेक यादव एंड राहुल फिटनेस की तरफ से। अभिषेक यादव एंड राहुल फिटनेस मुकेश सिंह गहलोत के जिम में एक साथ वर्कआउट करते हैं, जहां से हमको इनके करंट टाइम की कंडीशन प्लस राहुल फिटनेस क्या जून मंथ में होने वाले भारत प्रोसो में पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं, यहां पर हमको ये हिंट भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सुन लेते हैं कि अभिषेक यादव यहां पर अपनी करंट टाइम की कंडीशन फिजिक अपडेट के विषय में क्या बोलते हैं। और अभी हमने 6 किलो बढ़ा दिया है, स्टार्ट किया था हमने 84 से और करंट वेट हमारा हो रखा है 90। कॉम्पिटिशन भी होने वाला, अभी खेल रहे हैं भैया जून वाला, बैक टू बैक चल रहा है। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना कि अभिषेक यादव बोल रहे कि अपने राहुल भाई जून मंथ में होने वाले कंपटीशन में खेल रहे हैं, लेकिन अभी वो किस प्रोसो में खेल रहे हैं इसके विषय में यहाँ पर अभिषेक यादव एंड राहुल भाई ने हिंट नहीं दिया, लेकिन हम आपको आगे एक और क्लिप दिखाएंगे जिससे कि वहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा कि अपने राहुल भाई सेरू क्लासिक प्रोसो जो कि जून मंथ में हो रहा उसी में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एंड यदि आप लोग अपने भाई स्मार्ट बडी किलर को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे आप एक अदर चैनल हर्ष पांडे कार नाम से एक चैनल है, आप वहां पर मुझको जाके सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे अब केवल 20 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के लिए, तो आप वहां पर जाइए और मेरे उस अदर चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अब हम सुन लेते हैं कि अभिषेक यादव की तरफ से हमको क्या आगे अपडेट मिलती है। तो मेरा भी नहीं हो रहा भाई सर, पहले तो ट्राई शूट मेरा शोल्डर से बाहर था, थोड़ा सा बराबर हो गया, देखो नहीं है, देखो मेरा देख लो बाहर। हाँ गुरु जी हमारे डोले नहीं कम, 19-20 का ही फर्क है। हाँ हाँ जी तगड़ा बहुत, इतनी इतनी हड्डी मेरी चौड़ी हो ना गुरु जी, स्टेज पे क्या हो जाता है अपने आप को कम मान लेते हैं, स्टेज जाता है बहुत बड़ा है भाई, गुरु जी हमें झूठ थोड़ी बोलेंगे, फ्रंट का दिक्कत नहीं है, आप बैक दिखाओ, बैक की ट्रेनिंग हम दोनों करेंगे भाई साहब, बैक कम थी तो गुरु जी ने मेरी बैक तगड़ी करा दी। गुरु जी ये जो लोअर ड्रेस है ना और अपर हमारे पास है ना सिर्फ और सिर्फ फ्रंट और मिडल टेल्ट, ठीक है लोअर बैक विद हमारी पूरी है, लेकिन क्या हमारी डेंसिटी नहीं, लोअर बैक चौड़ाई है डेंसिटी नहीं है। बार में पहले एक दो खेल के रख, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाऊंगा स्टेज का, यही कर लेंगे ट्रेनिंग, बिल्कुल आपका दिल्ली वाला इसी में चलेंगे खेलने। अब हम सुन लेते जब जे कटलर के आर्नो क्लासिक 2024 में जब उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा था तो उनके स्पीच के दौरान में ये वर्डी रॉनी कॉलमैन का नाम लिया जाने लगा, तो जे कटलर ने कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर रिप्लाई करते हैं उसको देख लेते हैं। एंड आप हमें ये भी कमेंट करके बताइए यदि अपने इंडियन बॉडी बिल्डर होते तो वो यहाँ पर क्या करते हैं। प्लस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा एंड आपको आगे भी इसी प्रकार से कंपटीशन की और बॉडी बिल्डर की सबसे पहले अपडेट चाहिए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा। Yeah, well, that's not Ronnie Coleman. Where is he? Ronnie, you're the reason. You are the reason for my abilities, my greatness.
I owe everything to you because you pushed me to do everything on the Olympia stage and beyond. And you are a huge, huge inspiration. You are my idol. I ended up beating you, my idol, but I love you. We spent a lot of great moments, Ronnie Coleman, the greatest bodybuilder of all time. And I love spending time with you. We guest posed every week. We ate together. We trained together. You kicked my ass in the gym. I'm going to admit that. But you've given so much to bodybuilding, and you are the greatest.